खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। एक सड़क पर हनुमान बन के एक युवक भीख मांग रहा था और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तब उसका कहना ये था कि उसकी माँ हिंदू है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्यों पकड़ा गया। और आपने काफी सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि हनुमान जी का भेष धारण करके या शिव जी का भेष धारण करके ऐसे मतलब कि इवेंट्स वगैरह में हिस्सा लेते हैं, पर कभी भीख मांगते नहीं देखा होगा। एक्चुअली ये युवक भीख मांग रहा था। क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। यूपी के बरेली से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर बजरंग दल के लोगों ने एक शख्स को पकड़ा है। वो लगातार हनुमान मंदिर के सामने हनुमान जी का भेष धारण करके फुटपाथ के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा था और भीख मांगते हुए लोग इसको देख रहे थे और देखते देखते काफी ज्यादा हिंदू धर्म को काफी ज्यादा ठेस पहुंच रही थी क्योंकि हनुमान जी के मंदिर के बाहर ही बैठ के उन्हीं का भेष धारण करके कैसे कोई भीख मांग सकता है और हमारे भगवान जी को ऐसे रखा गया है। तब वहां पर जब बजरंगी दल के लोग आए तब उन्होंने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको काफी ज्यादा पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पता चला कि इसका नाम मोहम्मद नाज़दीन है, यानी कि ये एक मुस्लिम लड़का है जो कि ये सब चीजें कर रहा है। मोहम्मद नाज़दीन ने ये चीज बोला कि ये एक आर्टिस्ट है और ये अलग अलग रूप धारण करता रहता है और वो भीख मांगता है और उसको अच्छी कमाई भी हो जाती है, वो अपना पेट पाल लेता है, गुजारा कर लेता है। और उसने ये चीज बताई कि उसकी जो माँ है वो हिंदू है और वो हिंदू तरफ हिंदू जो मंदिर है वहां पर वो ज्यादा रहता है और वो उसी पक्ष में वो ज्यादा रहता है, इसीलिए वो मानता बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठेस पहुंचाना चाहता है। इसके बारे में जब पुलिस को पता चला तब पुलिस ने इस लड़के को, मुस्लिम लड़के को, हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद अभी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और बोला जा रहा है कि इसने अभी हिंदू धर्म को काफी ज्यादा ठेस पहुंचाई है और पहले तो इसने हनुमान जी के भेष को धारण करके भीख मांगने का बहुत ही बड़ा एक दुष्कर्म किया है जो कि इसको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वहां के लोग इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। अगर ये बाहर जाए तो वो लोग इसको मार पीट के मार देंगे, इसलिए पुलिस ने इसको हिरासत में रखा हुआ है और इसके ऊपर केस चल रहा है। तो गाइज आप ही बताइए, वैसे तो मैंने काफी सारी ऐसी चीजें देखी हैं जहां पर आप मतलब कि हिंदू धर्म में काफी ज्यादा रूप धारण करते हैं, रामायण है, ऐसा मूवीज वगैरह है, ये सब चीजें होती हैं वहां पर आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब चीजें होती है। पर हमारे भगवान भीख नहीं मांगते, चाहे क्रिश्चियन के, चाहे यीशु भगवान है, चाहे हमारे हिंदुओं के भगवान है, चाहे पंजाबियों के है, चाहे ईसाइयों के है, जितने भी है मुस्लिम के है, तो वो लोग कभी भीख नहीं मांगते, हम लोग उनसे मांगते हैं और वो हमारे लिए जो अच्छा होता वो हमें देते हैं, ना कि हम उनका भेष धारण करके कहीं पर भी बैठ के कि लोग ये चीज हो जाए। कभी कभार आपने ये मैसेज सुना होगा, कभी कभार व्हाट्सएप पे आता होगा कि ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो माता रानी आपको पाप करेगी, माता रानी आपको दंड देगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो इन सब चीजों को इग्नोर कीजिए, आपके दिल में भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। आपको कैसा लगा जो मैंने एडवाइस बोली प्लीज जरूर बताइए और आपको कैसा लगा हमारी आज की जानकारी वो भी बताते हुए जरूर जाइए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।